मैं माँ माँ बनने वाली हूँ। क्या आप आई मीन माँ यू मीन आप प्रेग्नेंट है? सॉरी नैतिक, मुझे पता है आप बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं अक्षरा, वो मैं इसे नैतिक प्लीज कुछ कहिए। देखिए मैं मुझे नहीं पता किए किस अक्षरा आप रोइए मत। देखिए ये तो खुशी की बात है ना, आप रो क्यों रही हैं? ऐसी बात पे कोई रोता है कि खुश होता है? हाँ आप खुश तो है ना मैं? ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन आपने कहा था कि बच्चा नहीं। नहीं नहीं अक्षरा, मैंने ऐसे कब कहा कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए? मतलब आपको आपको कोई प्रॉब्लम? आप सच में खुश है ना नैतिक? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूं। आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं और खुद ही सोचा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए और इतना टेंशन भी ले लिया। मैं मानता हूं कि बच्चा संभालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए। सच बोल रहे? बिल्कुल सच। एक मिनट है, आपका बर्थडे केक काटी? Happy birthday to you. आपने किसी को बताया? अब मां से कुछ कहा? हमें सबको बता देना चाहिए। मैं कैसे बोलूं? मुझे शर्म आती है। मैं मां से क्या कहूंगा? नहीं नहीं मुझे भी शर्म ही आएगी। अक्षरा अक्षरा मां आप कहिए ना उनसे। अच्छा प्लीज कह दीजिए। अक्षरा अक्षरा क्या हुआ छोटी दुल्हन? बहू नहीं दिख रही काफी देर से। रश्मि बेटा जा भाभी को बुला ला। लो आई। जी माँ। बेटा आओ हवन की सामग्री समेट लेते हैं, जल्दी जल्दी कर ले, फिर मंदिर में दिया भी तो जलाना है। आज सब अच्छी तरह से हो गया ना? सबने आशीर्वाद दिया मुन्ना को और सब खुश भी थे। नंदिनी के साथ आपने प्रसाद दिया ना? हाँ हाँ सब ठीक से दे दिया मैंने छोटी दुल्हन। और बहू तुमने प्रसाद लिया? नहीं माँ मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू ने ही नहीं लिया, रसोई में रखा है, मैं अभी ले। माँ वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? अब ठीक से खाना पीना चाहिए ना बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। दवा तो ठीक से ले रही हो ना? नहीं माँ
उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती दवा खाती रहना। देखो तो इसका चेहरा पीला पड़ गया है। अब बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खुद का ध्यान रखना सीखो बहू, समय पे खाया करो, हाँ दवाई लिया करो। हाँ भाभी, पर वैसे भी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों क्यों नहीं खाया? वो मुझे उल्टी लग रही थी तो। अब खाली पेट रहेगी तो ऐसा ही लगेगा ना। और क्या, अब तो मुझे खिलाना पड़ेगा। मैं प्रसाद लाती हूँ, मेरे सामने पहले प्रसाद खाओ और फिर मेरे सामने दवाई भी लो। मैं भी लाई। माँ उसकी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं और तुम दवा नहीं लेना चाहती तो क्या हुआ? बहू कहीं तुम बेटा इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही? बुआ।